Hello guys and welcome to the channel, and today I'm gonna introduce you to one of the super cop of Udaipur, Dr. Hanuman Singh Rajpurohit. और basically उनकी life के बहुत सारे किरदार हैं. किसी के लिए वो big brother हैं, तो किसी के लिए वो super cop हैं, और किसी के लिए मददगार हैं. पिछले एक डेढ़ साल में pandemic के time पे भी उनका एक नया किरदार हमने देखा, लोगों की किस तरीके से उन्होंने मदद की. और वो स्पेशली योगा के अंदर भी एक्सपर्ट हैं, योगा गुरु हैं. तो आइए बात करते हैं सर से और उनकी लाइफ के इन सभी पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले सर, आपको वेलकम है चैनल पे. हम जानना चाहेंगे सर कि आपकी जो अर्ली ईयर्स थे लाइफ के, वो क्या रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, और स्कूलिंग और उसके बाद कैसे आप डिपार्टमेंट में आए. सर, मैं मूल रूप से पाली ज़िले में, मेरा गांव पिलौनी है जो कि खिंवाड़ा थाना अंतर्गत आता है, देसुरी तहसील में. मेरी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर से हुई थी. मैंने जो यूनिवर्सिटी जो है वो JNBU से मेरी PG और UG किया था. तत्पश्चात 96 में UG करने के बाद में मोटे तौर पे मेरा रुझान जो है माता पिता की वजह से जो है योग की तरफ काफ़ी हुआ. शुरुआत के दौर में मैं सब जूनियर लेवल पे नेशनल वॉलीबॉल स्पोर्ट्स में गया, देन इसके बाद में बॉक्सिंग का शौक रहा, तो नेशनल लेवल पे मैंने बॉक्सिंग भी किया सर, बैंटम वेट में किया था, प्ले किया ओपन और इंटर यूनिवर्सिटी और वो सारा प्ले किया. चार साल बॉक्सिंग करने के बाद में फिर मैंने मेरा रुझान पिताजी की वजह से जो है पिताजी को देखते हुए योग की तरफ हुआ. तो ये होते होते फिर मैं करीब 95 के आसपास से उस राह पे काफ़ी अभ्यास की ओर बढ़ा, और धीरे धीरे उस समय जो भी मेरे द्वारा जो योगा कैंप है दूसरे हैं वो जोधपुर में ही रह के आयोजित करता रहा. इस दरमियान पुलिस की वैकेंसी निकली एंड मैंने सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा, मेरा सिलेक्शन हुआ. 1 दिसंबर 1999 को मैंने राजस्थान पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था. उदयपुर रेंज में मैं रहा. इसके दौरान स्पेशली योग के प्रति रुचि होने की वजह से 2004-05 के आसपास फिर मैंने MLSU से PGDYE पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योग एजुकेशन में एक वर्षीय डिग्री की थी, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा था उदयपुर से. तत्पश्चात उससे पूर्व में जो नेशनल योगा फेडरेशन और के माध्यम से मैं योगा रेफरी चयनित रहा किया था. इसके बाद में भी मैंने ओवरऑल करीब करीब 10 बार नेशनल लेवल पे जो है योग के अंतर्गत जो है वो ओपन, इंटर यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में भी योग का जो चलन है वो शुरू हो गया था, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेंट किया था. और जहाँ जहाँ मौका मिला सेवा काल के दौरान मैंने उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ इत्यादि जगहों पर पुलिस विभाग के लिए एवं जो सिविलियन लोग हैं उनके लिए भी जगह ब जगह जो है वो योग के कैंप आयोजित कर अपनी सेवाएं देने का प्रयास किया था. पर्यावरण के प्रति भी काफ़ी रुचि है. करीब 4 से 5 हज़ार पौधे मेरे द्वारा अभी तक जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही है अथवा उदयपुर शहर में लगाए गए हैं. और इसके अतिरिक्त मोटे तौर पर बच्चों से विशेष स्नेह है. इस चक्कर में पिछले कोविड काल में भी कुछ बच्चे मिल गए थे, उससे पहले भी हैं, तो फोस्टर केयर योजना में कुछ बच्चे हैं वो मैंने ले रखे हैं. अच्छा. उनका भी लालन पालन किया जा रहा है, जो कि मेरे साथ मेरे घर पर ही रहते हैं. ये है सर. सर, मतलब डिपार्टमेंट में आने के लिए क्या कोई इंस्पिरेशन थी पहले से, कि मुझे कोई पर्टिकुलर ऑफिसर थे जिनको आपने एज एन इंस्पिरेशन लिया कि मुझे डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, या इट वाज लाइक चांस कि भाई मैं मुझे एक वैकेंसी निकली है तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, और उससे आप आए हैं, या कैसे? और आपने जब ज्वाइन किया तो पहला पुलिस स्टेशन का कहाँ रहा आपका उदयपुर में, और जहाँ भी आपने स्टार्ट किया? जी सर जी, जो आपने फरमाया कि बेसिकली मेरी रुचि आर्मी में जाने की थी, किंतु आर्मी में योग नहीं था और मेरा पुलिस में था, तो चूंकि बेल्ट सर्विस के प्रति शुरू से रुझान था, तो इसलिए जब मेरी पीजी और यूजी एंड पीजी भी हुआ और इस दरमियान में जो वैकेंसी निकली और मेरे शौक के अनुरूप थी, इसलिए मैंने उसका चयन किया और मेरा सिलेक्शन हुआ था. सिलेक्शन के पश्चात ट्रेनिंग के बाद में 2001 के आसपास हम लोग उदयपुर आए थे, और मेरी
जो सर्वप्रथम जो प्रोबेशन है, ट्रेनिंग है, वो सूरजपाल थाने में ही हुई थी, यहीं पर। और वर्तमान में भी मैं यहाँ पर थाना अधिकारी के रूप में पदस्थापित हूँ, तो ये भी एक सहयोग है। और यहाँ पर मैं करीब अप्रोक्स 4 इयर्स पदस्थापित रहा था, 2001 से 2004 तक। तो सर, ये योग जो है, ये किस तरीके से आपको इस आपकी जो जॉब है इसके अंदर हेल्प करता है? कितना मेंटली आप ज़्यादा दूसरे पुलिस ऑफिसर से बेटर वे में काम कर पाता है, उसमें किस तरीके से हेल्प करता है? देखिए सर, बेसिकली योग का आशय ही जोड़ना होता है, तो निश्चित रूप से जब हम लोग हमारा दिया हुआ जो कार्य है, कर्म है, सर्विस है, करते हैं, तो नियमित रूप से यदि इसका योग और आदि का अभ्यास किया जाता है, तो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बना रहता है। उसका जो एनर्जी लेवल है, निश्चित रूप से तुलनात्मक रूप से अन्य लोगों से बहुत अधिक अच्छा रहता है सर। ये एक अनुभूति जन्य है कि आप अनुभूति कर सकते हैं उसको, लेकिन निरंतर रहना पड़ता है जी। सर, ये हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में जो पेंडेमिक का टाइम था, आपने काफ़ी सारे लोगों की मदद की है, तो कैसे, क्या फील था जो आपने ये ड्राइव स्टार्ट की थी? क्योंकि बेसिकली आपने फूड ड्राइव से स्टार्ट किया था, फूड डिस्ट्रीब्यूशन से, तो क्या फील आया था, क्या थॉट था कि जिससे आपने शुरुआत की? फिर उसके बाद तो वो एक हिस्ट्री है जो हम सभी जानते हैं जी। सर, बेसिकली चूँकि महामारी का समय था, इस तरह की स्थिति थी, तो हमारा ये राष्ट्र धर्म बनता है कि यदि राष्ट्र के ऊपर या सभी लोगों के ऊपर कोई विपत्ति आपत्ति आई है, तो यदि हम सक्षम हैं तो हमें सभी को एकजुट होकर खड़े होना चाहिए। इसी क्रम में आप देखिए कि 23 मार्च 2020 को महाकर्फ्यू की घोषणा हुई थी, पूरे हिंदुस्तान में 7 दिन का कर्फ्यू लगा, फिर 15 दिन के अंतराल में वो बढ़ता गया और 2 जून 2020 को वो ख़त्म हुआ था। तो 21 को मैं मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर लता सिंह के साथ बैठे थे, मैंने डिस्कशन किया, तो फिर हमने डिसाइड किया कि कुछ हम लोग करते हैं। तो ये शुरुआत हमने उस समय की थी, और उस समय हम लोगों ने प्रारंभिक रूप में वेरी फर्स्ट डे से 100 भोजन के पैकेट बनाने शुरू किए थे। पहले दिन हमने शाम को बनाए थे, फिर चॉइस से हमने सुबह शाम दोनों टाइम किए, जो कि निरंतर रूप से 2 जून तक चलते रहे, और उसमें करीब हमने 2,39,000 क्वालिटी फूड पैकेट्स का वितरण किया था, सभी के जन सहयोग से, पुलिस थाना हिरण मगरी, पिंपल सोसाइटी और सारे हमारे जो तत्कालीन अधिकारी थे, जो उनके सहयोग से। तो वो करने के दौरान ही वापस यह भी महसूस हुआ कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें सूखा राशन किट की भी आवश्यकता है, तो करीब 1,000 के आसपास सूखे राशन किट जो थे, ड्राई पैकेट्स है वो है, पानी उस समय माइग्रेशन हुआ था लेबर्स का, तो करीब 5,000 पानी की बोटल्स है, नेल कटर्स है, चप्पलें हैं, मेडिसिन है, तो इस तरह की कई चीज़ें जो रिक्वायरमेंट थी तत्कालीन परिस्थितियों को अनुरूप, वो हमने जन सहयोग से करने का प्रयास किया था। सर, एज अ पुलिस ऑफिसर और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज का जो यूथ है जो ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और जो मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, सामान्य रूप से कहा जाता है कि जो सबसे पहला सुख है वो है निरोगी काया। उसके लिए आवश्यक है कि जो आज का यूथ है उसको खेलकूद की जो गतिविधियाँ उससे जुड़ना चाहिए। पुरानी कहावत है कि हमारे सुनते आए हैं पुराने रूप से कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आज के समय में यह कहावत प्रासंगिक नहीं है। आज के समय में आप निश्चित रूप से कोई भी स्पोर्ट्स आदि है, खेलकूद की अन्य गतिविधियाँ हैं, उनमें भी आप अपना रोजगार तलाश कर सकते हैं, अपना ब्राइट फ्यूचर तलाश कर सकते हैं। तो इसी क्रम में यदि व्यक्ति खेलकूद की गतिविधियों में लिप्त रहता है तो नशे की प्रवृत्तियों से भी दूर रहता है, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता है, और एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो मेरा आप देखिए, ये उदाहरण है हमारे पास में कि पंजाब हरियाणा से पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, उसका कारण यही है कि न केवल बड़े शहरों में अपितु छोटे से छोटे गाँव में भी जो लोकल गेम्स है उनका बड़ा ही प्रचलन है, तो उनका जो रुझान उस तरफ होने से आज हिंदुस्तान में सबसे अधिक जो खेलों में जो खिलाड़ी मिलते हैं हमें नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, अधिकतर पंजाब और हरियाणा से मिलते हैं। तो मेरा यह कहना है कि व्यक्ति यदि खेल से जुड़ता है तो मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से बहुत अच्छा रहता है, और योग के प्रति आपने जो बताया, व्यक्ति यदि निरंतर रूप से योग का अभ्यास करता है, न केवल वो स्वस्थ रहता है, आने वाली पीढ़ी को भी वह इस चीज़ को वापस आगे से आगे शिफ्ट करता है, इसके अतिरिक्त वह अपने रोजगार को भी उसके माध्यम से डेवलप कर सकता है।
समस्त यूथ है उनसे निवेदन है कि विशेष रूप से आज के समय में कम से कम जो फ्रूट्स के कम से कम 10 पौधे फ्रूट्स और जो हमारी मेडिकेटेड प्लांट्स है न केवल लगाएं अपितु उनको जब तक वो अपने स्थान पे पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं हो जाए तब तक उनकी सुरक्षा पूरी करें, हमेशा पानी की बचत करें, बिजली की बचत करें, साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई न केवल हमारे घर की अपितु बाहर की भी हो, मन की भी हो, तो उससे व्यक्ति जो है वह बड़ा ही पॉजिटिव जो है सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है। और ये चीज़ें जो है हम लोग वापस आगे भी हमारी जो पीढ़ी है उसको शिफ्ट करते जाएं। थैंक यू। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर हनुमंत सिंह जी हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और कोई भी आपको सर से रिलेटेड सवाल हैं, योगा से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सर से आपको उसका जवाब दिलवा सकूँ। थैंक यू।